फील की फैमिली, क्योंकि मैंने कल की वीडियो पहली बना के अपलोड कर दी थी, इसलिए जब एजिस स्टाइल्स रिटर्न आए तो मैं द फिनोमिनल वन एजिस स्टाइल्स को वीडियो में नहीं लेकर आ पाया था। लेकिन भाई आज तो मतलब एजिस स्टाइल्स की टीम का आना बनता ही है। और क्योंकि WWE में CM Punk तक रिटर्न आ गए लेकिन डीन एम्ब्रोस अभी तक नहीं आए, वो AEW में अभी भी है, इसलिए भले रियल लाइफ में डीन एम्ब्रोस अभी नहीं आए पर भाई गेम के अंदर तो मैं लेकर आऊंगा। तो आज शील्ड यानी कि टीम रोमन रेंस फेस करेगी टीम एजिस स्टाइल्स को, और एजिस स्टाइल्स की टीम में रैंडी ऑर्टन और मैं एलए नाइट को रखता, लेकिन एलए नाइट को भी एजे ने कूट दिया था, इसलिए एलए नाइट ने उनकी जगह जॉन सीना है। और फिल आर्मी भाई हम लोग 4,48,000 सब्सक्राइबर पे चले गए, मजाक है क्या? और इसके लिए ना मैं आप लोगों को जितना भी थैंक यू बोलूं कम है, लेकिन साल खत्म होने वाला है और हमारा गोल है भाई 4.5 लाख, मतलब 4.5 लाख इस साल कंप्लीट करना ही है। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे भाई तो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ ना मैं तो बोलता हूँ कि आज अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। जितने ज्यादा लोगों के साथ शेयर करोगे सबको पता चलेगा कि ऐसा भी कोई चैनल है, और भाई 4.5 लाख जल्दी जल्दी कंप्लीट होगा। अच्छा मुझे बस ये जानना है कि एजे स्टाइल्स तो मतलब बहुत कम टाइम के लिए गायब हुए थे भाई, अभी तो आ ही रहे थे एजे, ब्लड लाइन ने मार के थोड़ा इंजर्ड कर दिया था, और इतना जल्दी एजे स्टाइल्स रिटर्न आए तो क्या खतरनाक बॉडी बना के आए भाई, इतनी जल्दी कैसे इतनी बॉडी बना ली। अच्छा एजे स्टाइल्स पहले से और स्मार्ट लग रहे हैं, और ये वाला जो अब गेम में मैं देख रहा हूँ ना मजा नहीं आ रहा है देख कर, पता है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अब मॉड डालना पड़ेगा। ये वाले एजे स्टाइल्स पतले लग रहे हैं, डीन एम्ब्रोस को स्टार्टिंग से पीटे जा रहे हैं एजे स्टाइल्स, दोनों के पास दो दो फिनिशर है, अभी तक दोनों ने यूज नहीं किया है। रोमन ऑस्टिन देख रहे डर्टी डीड्स, पहला फिनिशर डीन एम्ब्रोस की तरफ से, एजे स्टाइल्स बाकसम एक फिनिशर पे एलिमिनेट कर दिया, ये काट का डीन एम्ब्रोस ऑर्टन को भी लपेट लिया भाई। एम्ब्रोस या तो पूरा ही पिटा रहे थे या तो पूरा ही पीटने लगे। आ जाओ एम्ब्रोस प्लीज, अब घर वापस आ जाओ, यानी कि WWE जो आपका घर है आ जाओ, तो मतलब शील्ड भले रीयूनाइट ना हो लेकिन डीन ना सबको परेशान करते चलेंगे, और वो देखने में भी मजा आएगा, खास करके सेट को। रोमन से तो मुझे लगता है कि लास्ट में दोस्ती हो जाएगी, पर अब अभी जो रोमन का चल रहा है ना मुझे नहीं लगता है कि डीन से भी दोस्ती होगी, डीन से भी मुझे लगता है कि दुश्मनी हो जाती है अगर डीन रहते तो। आर क्यों लगते लगते ऑटन आजकल मिस कैलकुलेट कर ले रहे, ऑटन इस बार कैलकुलेट सही क्या, एक एक फिनिशर आज ये क्या हो रहा है, सब एक एक फिनिशर में क्यों एलिमिनेट हो जा रहे हैं। डीन को भी ये पहला फिनिशर लगा था, ऑटन एक फिनिशर में एलिमिनेट नहीं हुए, लेकिन डीन और एजे स्टाइल्स भाई मतलब ऐसा होता था, मैं जानता हूँ कि एक एक फिनिशर में लोग एक आदमी एलिमिनेट होता था, एक मैच में दो लोग एलिमिनेट नहीं होते थे एक एक फिनिशर में। ये क्या है, ये ओमनी मैन का मैच है क्या? आर क्यों कैसे तो रोमन नहीं गया एक फिनिशर में? नहीं नहीं रोमन के साथ ऐसा बहुत कमी हुआ है, मुझे तो याद भी नहीं आ रहा है रोमन के साथ कभी ऐसा हुआ है क्या फेल आर्मी, आप लोग कमेंट करके बताना, तो मुझे याद नहीं आ रहा है। ऑटन क्या करने चले गए, टूके को आदत है गेम को छेड़ने की, अच्छा खासा स्टार्टिंग में गेम रहता है लेकिन टूके ना उसमें कुछ ना कुछ अपडेट डाल के कांड करते रहते हैं, और आई थिंक एक दो दिन पहले कोई अपडेट आया था उसके बाद ये हुआ, हो सकता है इत्तफाक हो आज के मैच में सिर्फ, ये अब कल पता चलेगा। अगर कल भी ऐसा ही कुछ देखने मिला ना तो समझ लेना कि टूके ने फिर कुछ झोल कर दिया गेम के अंदर। सीना को टैग, सीना एक फिनिशर में बच जाना, ऐसे तो हमेशा सीना ही एक फिनिशर में एलिमिनेट होते थे पर आज ऐसा नहीं होना चाहिए। सीना क्या बोलते हो, दो दो फिनिशर STF के लिए जा सकते थे, तब तक सीना के मैच में एक आध ए रिवर्स नहीं हो जाए भाई, लगता नहीं है कि सीना का मैच चल रहा है क्या। टूके मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कवर स्टार क्यों बनाया था सीना को, कवर स्टार बनाने के बाद ना बस एक काम करना चाहिए था, ये में से डबल रिवर्सल छीन लेते। और मैंने इतने पुराने पुराने गेम्स का वीडियो बनाया तो उससे ये पता चला ना पुराने गेम्स में ये डबल रिवर्सल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, अगर फिनिशर लग गया एक बार कनेक्ट हो गया आप रिवर्स नहीं कर पाए तो खेल खत्म भाई। ये नहीं कि मतलब ये एक तरह से आप देखोगे तो पार्शियलिटी है कि कुछ लोगों के फिनिशर में आप उनका दो बार कांड कर सकते हो और कुछ लोगों के फिनिशर में एक बार लगा तो बस खत्म खेल। इसलिए जब मैं भाइयों के साथ भी खेलता हूँ ना तो भाई सीना नहीं ले सकता हूँ, अगर लूंगा तो सिर्फ STF देना पड़ेगा या फिर वेट करना पड़ेगा जब सामने वाला सुपरस्टार स्टंड हो जाए, क्योंकि डेफिनेटली भली स्टार्टिंग में ये रिवर्स नहीं करे वो लोग लेकिन सेकंड में तो रिवर्स कर ही देते। ये देख लो सीना की तो इतनी किस्मत खराब है भाई, STF में रिवर्स कर दिया सेठ ने, हद बदमाशी है सेठ। लेकिन नहीं ना मतलब एक एक बेचारे सीना को दे देते फिनिशर, कोई बात नहीं सेठ याद रखना 2K24 भी आएगा, करवा लो कांड कर लो सीना के साथ, अब ज्यादा टाइम बचा नहीं है 2K24 आने में। और मैं बता रहा हूँ उसमें जॉन सीना जो आएंगे ना ऐसे सीन आएंगे ना कि भाई सब देखते रह जाएंगे। और एक काम करो आप लोग ना ये चीज मेरा रिकॉर्ड करके रख लो, मुझे ऐसा लग रहा है कि 2K24 में बहुत ही अच्छे सीन आएंगे। उसमें पता चला कि बिना फिनिशर के रिवर्स हो गए, नहीं नहीं ऐसा नहीं होने वाला है। सेठ और रोमन मिलके देख रहे हो क्या क्या कर रहे हैं सीना के साथ, सीना ऑटन को टैग दे दो, ऑटन ही संभाल सकते इन दोनों को, या सीना वेट करो थोड़ा जाके रेस्ट कर सकते हो, ऑटन के पास सिग्नेचर भी आ जाएगा। रोमन ने नॉर्मल गिलिटिन लगाया, नहीं नहीं
नॉर्मल गिलिटीन है तो ठीक है, ऑटन ऐसे बचाने की जरूरत नहीं थी, सीना खुद से बचते ना तो मोमेंटम भी बढ़ता। भाई डोमिनेट कर दिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आएगा आएगा, इनका दिन भी आएगा। रोमन के पास तीन फिनिशर, सेथ के पास भी तीसरा आने वाला है, देख रहे हो भाई ये क्या चल रहा है। रोमन ऑटन निकल आप भी नहीं, अच्छा ही है, चलो ऑटन के ऊपर ध्यान देते रहेंगे ना रोमन। नहीं भाई, रोमन का ध्यान सीना के ऊपर भी है जो लीगल आदमी है, बॉडी येल्लो हेड येल्लो सीना का, और रोमन और सेथ का कोई भी बॉडी पार्ट डैमेज नहीं है। वाह, सीना का हाँ दोनों फिनिशर रिवर्स हो गया था ना, मैं भूल ही गया था, एक फिनिशर आ रहा है गिलिटीन या स्पीयर, सीना रिवर्स करना होगा, डबल टीम अप मत करवाना सीना, इतना दूर ड्रैग हो रहे हो हाँ, और अब भागना टैग देने के लिए। मैं चाह रहा हूँ कि ऑटन को अब टैग मिल जाए, अब ये टाइम ऐसा है ना सीना कि जल्दी से, इतना ड्रैग करने की क्या जरूरत थी, लेकिन ठीक है चलो, एटलीस्ट सीना के पास सिग्नेचर आ गया आई थिंक, हाँ सिग्नेचर आ गया, गिलिटीन या अरे रे, रे सीना, गिलिटीन या स्पीयर तो आ ही रहा था, बस सीना एलिमिनेट नहीं हुए। ये सेकंड फिनिशर लगा क्या सीना को या फर्स्ट फिनिशर था, जितना जल्दी हो सके भागो सीना, कंटिन्यूअसली मार खाते भाई सीना, 94 ओवरऑल है, इतना कंटिन्यूअसली कोई मार नहीं खाता है, जिसका बहुत कम ओवरऑल भी रहा है ना वो भी इतना मार नहीं खाता है, पता नहीं कुछ तो भाई प्रॉब्लम है, मैं बता रहा हूँ कुछ प्रॉब्लम है। एक स्पीयर, अरे सुपरमैन पर छीन लिया, फाइनली एक सिग्नेचर छीना है, डबल टीम अप। अब जब फिनिशर आ गया था तब डबल टीम अप करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन चलो ठीक है, थोड़ा देर रेस्ट कर सकते हो आप। डबल टीम अप में कैसे तो रिवर्स नहीं बनाया है, वरना ये भी रिवर्स कर देते रोमन। सेथ को टैग मिलने जा रहा है, अरे जाने क्यों दिया ऑटन, ऑटन का सिग्नेचर, ऑटन क्लासिक डीडीटी के लिए जाना, बढ़िया। सेथ अभी तो सेथ की फुल हेल्थ है भाई, क्या ही जाने वाले हैं सेथ, देख रहे हो फुल हेल्थ के साथ बैठे हुए आदमी। ऑटन पंट, अरे क्या हो रहा है आज, ये क्या हो रहा है, मतलब रोमन को छोड़कर और ऑटन और सीना को छोड़कर, मतलब ये तीन एक एक फिनिशर सरवाइव कर गए, सेथ तो सिग्नेचर में चले गए, टूके ने पक्का कोई बहुत ही घटिया, अरे पाकसप, ये क्या था भाई, ये क्या हो रहा है इस मैच में, दिमाग खराब हो जाएगा मेरा। ऑटन बैरिकेड पे जाके लैंड किए भाई, इतना खुद को डैमेज करने की क्या जरूरत थी भाई साहब, ये तो क्लासिक था, पता है 2K का मतलब ये सब अगर नहीं हो गेम में, आज बहुत दिन की बात ही है। बैरिकेड पे छाती समेत गिरे ऑटन, ऑटन अपने आप को नहीं मारना है, रोमन को मारना है, और इतना मिसकैलकुलेशन कैसे कर सकते हो ऑटन, कहां रोमन कहां बैरिकेड, जमीन आसमान का डिफरेंस था भाई, आरक्यू और स्पीयर दोनों मिस कर गया, लेकिन इस मैच का सबसे अच्छा सेगमेंट वही था भाई, ऑटन जो लैंड किए, एक बार फिर से वीडियो पीछे करके देखो, हाँ ऑटन सीना और रोमन एक एक फिनिशर पे नहीं जा रहे, पिन फॉलो सकते हैं, सीना बचाने नहीं हो गए ऑटन को, भाई मजाक नहीं कर रहा हूँ, आज के मैच में कुछ भी पॉसिबल है, कभी भी कुछ भी पिन फॉलो सकता है, और ऑटन गए, ऑटन गए डेफिनेटली, यहाँ लोग एक एक फिनिशर में जा रहे हैं, ऑटन को जाना ही था, सीना और रोमन बच गए लास्ट में, सीना क्या इम्पॉसिबल कर पाओगे, रोमन के पास एक भी फिनिशर नहीं है, ये देने की क्या जरूरत थी, लेकिन चलो ठीक है, कनेक्ट कर दिया तो अच्छा है, रिवर्स नहीं किया रोमन ने, पिनफॉल ऑब्वियसली नहीं होगा, अगर कोई और रहता तो शायद हो जाता, लेकिन 99 रोमन नहीं होगा। सीना सिग्नेचर फाइव नकल शफल के लिए, रोमन इतना जल्दी फिनिशर खाने के बाद ना आदमी को इतना जल्दी उठना नहीं चाहिए, लेकिन रोमन उड़ जाते हैं, और रोमन के पास धीरे धीरे नहीं बहुत ही जल्दी जल्दी सिग्नेचर आ रहा है। चल भाई क्लोज लाइन, सीना रिवर्स अब करने लगे, सीना का आई थिंक रिवर्सल बटन ठीक हो गया है, पर रोमन का भी तो ठीक है ना, दिक्कत ये है कि रोमन का भी ठीक है, मुंह पे एक लात, सिग्नेचर ऑलमोस्ट आने वाला है, पिनफॉल मत करवा लेना सीना, अगर अभी पिनफॉल होता ना मेरी सटक जाती भाई, मजाक नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ठीक है रेजिलियंस भी है सीना के पास, मैच खत्म करने में कोई दिक्कत नहीं है, और जीते कोई भी उसमें भी दिक्कत नहीं है, लेकिन रेजिलियंस के साथ पिनफॉल या सबमिशन किसी का नहीं होना चाहिए, बहुत बुरा लगता है देखकर। रोमन और सीना का जब भी मैं सिंगल्स मैच देखता हूँ ना, मुझे बस एक ही चीज याद आती है, ब्रॉक लेसनर का रिटर्न, नॉर्मल गिलिटीन है, सिग्नेचर से एलिमिनेट कर दिया जॉन सीना को, सिग्नेचर वाला गिलिटीन था रोमन, कांग्रेचुलेशंस टीम शील्ड। तो फेल की फैमिली ये मैच मैंने किया था एजे साइस और डीन एम्ब्रोस की वजह से, जो कि स्टार्टिंग में दोनों एलिमिनेट हो गए, पता नहीं टूके ने क्या नया अपडेट डाला है, हो सकता है कि आज के मैच में सिर्फ इत्तफाक हो, ऐसा रेगुलर नहीं होने वाला है। और 2K23 का जो जबरदस्त मुकाबला चल रहा है, इससे पहले आप लोग कॉमेंट करो और बोलो कि वो कब आएगा, भाई कल आएगा, और जैसे मैंने कल भी बोला था आज भी बोल रहा हूँ कि जो सुपर स्टार इस जबरदस्त मुकाबले में अभी तक नहीं आया, एक बार प्लीज प्ले लिस्ट चेक कर लेना, आपको पता चल जाएगा, थंबनेल से पता चल जाएगा कौन सा सुपर स्टार आया है नहीं आया है। तो जो अभी तक नहीं आया है कोई ऐसा सुपर स्टार जो मैं भूल गया हूँ,
उसका नाम कमेंट करके बताना, और कोई हल्के सुपरस्टार का नाम मत बताना, कोई ना तगड़े सुपरस्टार को खोज कर लाओ। जो थोड़े वीक सुपरस्टार है वो लोग भी आएंगे, लेकिन अभी ना कोई तगड़ा सुपरस्टार चाहिए जो या तो रोमन की टीम को हरा दे या एटलीस्ट थोड़ी टक्कर तो दे भाई। और फिलहाल में जाने से पहले अगर वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया तो कर लेना, और भाई सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि 4.5 लाख साल कंप्लीट होने से पहले करना है। तो चलिए मैं मिलता हूँ कल, तब तक के लिए टाटा, ख्याल रखो सब।